नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ऑनलाइन टेक स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं असेंबल्ड सीपीयू की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। इसके दौरान आप जानेंगे कि अगर असेंबल्ड सीपीयू लेना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। मैं पहले इसकी सील को काट लेता हूँ और अभी इसको ओपन करता हूँ। इस वीडियो को देखने का मकसद ये है कि जब आप असेंबल्ड सीपीयू का पैकअप करवाते हैं उस समय आपको उन चीजों का ख्याल रखना होता है कि आप किस कंपनी का कौन सा पार्ट लगवाते हैं। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरा वायर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी को इस सीपीयू तक आना है। इसे बड़ी सावधानी से बाहर निकाल लीजिए। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है और इसके बाद इसके साइड्स हटा लीजिए और इस पर जो पॉलिथीन लगी है इसे भी सावधानी पूर्वक हटाइए। हटाने के वक्त ज्यादा हिलाना नहीं है और ये मैंने वाईफाई की डिवाइस इसमें लगवाई है जिसे मेरा इसमें वाईफाई एक्सेस हो सके। इसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाता हूँ जो सामने का है। ये इंटेक्स का कैबिनेट है और अभी आपको मैं दिखाऊंगा इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं जिन्हें खोलकर आपको चेक करना है कि सारे पार्ट्स लगे हुए हैं या नहीं, क्योंकि असेंबल्ड सीपीयू में ये बहुत महत्व रखता है। मैंने इसे ओपन कर लिया है और अब यहाँ पर आपको ये मेरा सीडी वाला है, ये प्रोसेसर का फैन है। यहाँ पर आपको रैम चेक कर लेनी है कि आपने कितने जीबी लगवाई है और यहाँ पर कितने जीबी लगी हुई है आपकी रैम। ये आपका हार्ड डिस्क हो गई और ये आपका बैक फैन हो गया और यहाँ पर आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि आपका मदरबोर्ड पूरी तरह से कंप्लीट है या नहीं। तो ये थी अनबॉक्सिंग असेंबल्ड सीपीयू की।